जैसे ही बारिश शुरू होती है, मुंबई की समुंदर जो है, यहाँ पे अभी हम मैरून ड्राइव में खड़े हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हाई टाइड हो रही है। और हाई टाइड जब होती है तो पूरा पानी जो है ऊपर आता है, और इसका मज़ा लेने के लिए जो है लोग यहाँ पे जो है मतलब ऑब्वियसली पूरे लोग आते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी आ रही है। यहाँ पे कुछ फैमिलीज है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ जो है वो हाई टाइड का एंजॉय कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से आया हूँ। अच्छा, मुंबई आए हैं घूमने के लिए? हाँ जी। यस, ये मेरे हस्बैंड है, ये आए वहाँ से। हम यही है। हाँ, हम यहाँ मुंबई गांधीवली से रहते हैं। okay. और हम यही बारिश का मौसम है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील होता है। That's why हम यहाँ पे आए एंजॉय करने हाई टाइड में। हाई टाइड होता है और जब वो पानी नमक वाली मुंह पे जाती है तो कितनी अच्छी फील होती है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वो नमक नमक सा पानी मुंह में भी जा रहा है, बट कोई नहीं, मुझे इंजॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, जिससे यहाँ बैठे हैं, शाम का टाइम है, इतनी अच्छी लहरें हैं, उसको हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लहरों की मैडम इंजॉय कर रही है, क्या कहेंगे सर? मैडम इंजॉय कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, मैं भी इंजॉय करूँगा। बच्ची क्या बोलेगी? हेलो बोल। हेलो। अच्छा लग रहा है? हाँ। पानी मुंह में जा रहा है? हाँ। कितना मजा आ रहा है पानी? बहुत मजा आ रहा है। ओह, तो आपने देखा कि छोटी सी बच्ची है, उसको भी बहुत सारा मजा आ रहा है। सारी खुशी है, मतलब कैसा फील हो रहा है? अभी मैं गुजरात पोरबंदर से आ रहा हूँ, अभी इधर से देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अभी बॉम्बे में पहली बार मैं आया हूँ, ने जो यहाँ का माहौल और देखकर मुझे जो खुशी हो रही है उसका कोई अंदाज नहीं है। मैं इधर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अभी मेरा सन भी आया है, हम आइए और हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यस, पहली बार आया। पहली बार आया है, क्या लग रहा है? कितनी मतलब कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से देख करके। मुंबई का जो हाई टाइड जो है वो बहुत फेमस है। नहीं, बहुत अच्छा व्यू है। मैं पहली बार आया तो एकदम इम्प्रेस हो गया कि क्या सीन है। ऊपर से ये दरिया के किनारे? जो हाँ, किनारे में जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। डर भी लग रहा है। हाँ। अभी हाई टाइड है तो अभी थोड़ा वो समुद्र का मज़ा आ रहा है ना। हाँ। तो थोड़ा डर भी लग रहा है, फिर भी आनंद हो रहा है। वो मज़ा इतना उछल रहा है ना। हाँ। इतना एंजॉय कर रहा है हम लोग कि उसका कोई खुशी नहीं मिलती है। यहाँ पे जनरली जो लोग हैं वो गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, पापा के साथ? नहीं, मैं अच्छा बच्चा हूँ तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ नहीं आता हूँ। क्या कहना चाहोगे, जैसे ये मस्ती था, क्या कहना चाहोगे अपने जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, अगर गुजरात से कोई आता है तो ये हाई टाइड जो है वो जरूर देखे? हाँ, मैं ज़रूर उनको कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ तो ज़रूर आए, क्योंकि इतना मैं घूमा बट यहाँ की जो हवा है बहुत ही रिफ्रेश, और मीन्स माइंड फ्रेश हो जाता है, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बस इतना ही पता है यहाँ से। और मैडम, हम लोग क्या यहाँ से पोरबंदर और फिर फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भी बैठने वाले हो जो एयर जेट वे में, यहाँ से बॉम्बे से पोरबंदर अभी आई है ट्रेन में, अभी जाने का फ्लाइट में है, अभी फ्लाइट का ही इंजॉय करने का है। यानी कि फ्लाइट का एंजॉय और दूसरी तरफ ये नजारा, वो ये बॉम्बे का भी नजारा, आप ये कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा। अभी ये हाई टाइड है वो भी देखा, और समुद्र का वो नजारा देखा, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। इससे हमको यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे पहले फर्स्ट बार आए पर इंजॉय खूब इंजॉय किया। क्या कहना चाहोगे आपकी तरह जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको किस तरह से बोलोगे कि एक बार तो जो है यहाँ पे आकर के जरूर देखें? मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पोरबंदर है, वहाँ भी बीच है, वहाँ भी बहुत अच्छा बीच है, बट ये जो मुंबई का बीच है कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आए, मैं अपने सारे दोस्त को कहता हूँ कि एक बार ज़रूर यहाँ पे मुलाकात कीजिए और बस एंजॉय कीजिए। ये कहना चाहेंगे कि इस बार पापा के साथ आए हैं, अगली बार फ्रेंड्स लोगों के साथ आए? हाँ ज़रूर, अगली बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आऊँगा। कि दोस्तों के साथ आएंगे तो कुछ मज़ा अलग ही होती है। दोस्तों के साथ तो मज़ा अलग ही होती है, बट मेरे हिसाब से मेरे को फैमिली के साथ अच्छा लगता है। मेरी यानी कि ये बच्चा जो है वो पूरी तरह से जो है
मम्मी का बच्चा है, पापा का बच्चा है ये। अगली बार आइए हम साथ, तो अभी पूरा फैमिली लेकर आएंगे। अभी तो हम मेरे ये दो ही आए, अभी बीबी को भी साथ में लेने का है। अभी अगली बार जब ये लोग आएंगे तो पूरी फैमिली के साथ यहाँ वापस आएंगे, पूरी फैमिली के साथ ही आए। अभी सिर्फ हम चेकिंग पे आए हैं कि कैसा आए। अभी जो है वो मुंबई को रेकी करने के लिए आए हैं और अगली बार आएंगे वो पूरे तरह से टोप लेके आएंगे। अभी सिर्फ चेकिंग है, टेस्ट ड्राइव है, बाद में एक साथ आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है लोग जो है यहाँ पे आ करके एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये गुजरात से आए हैं और इनका यही कहना है कि अगली बार जो है वो पूरी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ आएंगे और आ करके जो है ये हाई टाइड का जो है वो मज़ा लेंगे। देखा कि पोरबंदर से जो बंदे आए थे उन्होंने तो इस हाई टाइड को बहुत ही मज़ा लिया। यहाँ पे कुछ मुंबई के भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम क्या मजा ले रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी तरह से बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। बट बहुत, आप कहाँ से आई है? हम गुजरात से आए हैं। यानी कि हाई टाइड देखने के लिए पूरा गुजरात मुंबई आ गया? हाँ, पूरा तो नहीं आया होगा पर आ गया है थोड़ा, तो आ जाएगा अगले साल पूरा आ जाएगा ना। यानी मोदी जिस तरह से वो वापस से यहाँ पे गुजरात में तो नहीं आएंगे, मुंबई में तो नहीं आने वाला? नहीं नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब यहाँ पर इतना मौसम अच्छा है तो सब आएंगे ना देखने को ही। यानी मुंबई की जो है मौसम का पूरा एंजॉय ले रहे? पूरा बहुत एंजॉय ले रहे हैं, बहुत बहुत ले रहे हैं। और कहाँ कहाँ घूमा आपने? बस अभी तो आज ही आए हैं, आज ही स्टार्ट यहीं से ही शुरू किया है, कल देखेंगे कल कहाँ कहाँ जाते हैं। बारिश का मजा लेने? बारिश का मजा लेने आए, लोनावाला और वहाँ पर घूमने के लिए आए। अच्छा, लोनावाला भी जाने वाले? और ये जो बारिश जो तो हाई टाइड आती है आपके चेहरे पे, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही, एकदम सुकून महसूस हो रहा है। तो देखा आपने कि लोगों के अंदर जो है कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेगी? आपकी फ्रेंड ने तो बहुत ही तारीफ कर दी। मैं यहाँ से प्रॉपर मुंबई से ही हूँ। अच्छा, फ्रेंड है, इसके घर पर आई हूँ मैं। अच्छा, आप तो मुंबई का है? हाँ। तो ऑब्वियसली गुजरात को यहाँ पे लेके आ गए? हाँ, मेरी फ्रेंड को वैसे भी बारिश का मजा ही लेना था, बोला आजा बारिश के टाइम पे आजा। ओके, तो ये वेदर एंजॉय करने आई है। आप मुंबई में कहाँ रहती है? मलाड़ में। मलाड़ में भी तो आपको वहाँ पे पवई इधर जो है थोड़ा बहुत समुंदर आ ही जाता है। हाँ, अक्सा है, मर्ड है, सब नजदीक ही रहता है। लेकिन जो मैरीन ड्राइव का जो नज़ारा है, सुपर है। यानी मैरीन ड्राइव सुकून है। यहाँ पे सुकून है। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी, डोंट माइंड, यहाँ पे ज्यादातर कपल्स लोग आते हैं। हाँ, फ्रेंड्स भी कपल्स ही है। हाँ, तो फिर फ्रेंड्स भी कपल में ही है। तो वही बता रही हूँ कितना मजा आता है। बहुत मजा आता। कपल के साथ में भी मजा आता है, फ्रेंड्स के साथ भी मजा आता है, प्लस ग्रुप होना चाहिए, सुकून है, एंजॉयमेंट होनी चाहिए। चाहे किसी के भी साथ हो। और ये जो लोग है वो पूरी तरह से जो है इस हाई टाइड का एंजॉय करें। आप खुद भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से जो है पानी की जो पानी जो ऊपर चढ़ के आ रही है। और ऑब्वियसली कभी कभी ये हमारे लिए, मैं ये भी अपने चैनल के थ्रू लोगों से कहना ये चाहूँगी कि ये पानी कभी कभी बहुत ही जानलेवा भी हो सकती है। जब ज़्यादा हाई टाइड होता है तो लोग यहाँ पे जो बैठे रहते हैं वो पानी में चले जाते हैं, और इसकी वजह से बीएमसी ने जो है बहुत प्रिपरेशन करती है ताकि किसी का भी जान और मान का हानि ना हो सके। लेकिन अभी उतना पानी नहीं है इसलिए लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे पूरी तरह से हाई टाइड हो जाती है तो बीएमसी के लोग, पुलिस लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं लोगों को यहाँ पे रहना। और इसको लेकर के जो है मुंबई पुलिस कहेंगे या फिर बीएमसी के लोग कहेंगे, वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं। तो अभी तक तो हमने गुजरात मॉडल को देखा, यानी जो भी मुझे दो तीन लोग मिले वो गुजरात से आते, मुझे लगता है ये मुंबई कर है, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई कर को देख करके ही पता चल जाता है कि हम लोग मुंबई कर है। कहाँ से आइए? हम लोग GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे, उधर के स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट है? हाँ। मतलब पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ, कहाँ रहती है? अभी हॉस्टल्स में। मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं? डेंटल। डेंटल, यानी डॉक्टर बनने वाले हैं। हाँ। ऑब्वियसली हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स
समझे हमारा फ्यूचर तो यही है कि भाई डॉक्टर है तो भगवान है। हाँ। कितना मजा आ रहा है। चलो डॉक्टर तो बाद में बनेंगे, पहले एंजॉय तो कर ले पे। भाई एंजॉय के बिना क्या ही लाइफ है ना। एंजॉय के बिना क्या ही लाइफ है माय डियर। ये तो इसने तो मेरा दिल जीत लिया। क्या एंजॉय कर रहे हैं, हवा थोड़ा ऐसा सांस ले लेते क्योंकि पूरा दिन तो हमको हॉस्पिटल वगैरह में मास्क पहन के रखना पड़ता है। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना ने जब से आया है तो बहुत सारे हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी है। डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनकी तो स्थिति हमने खुद एज ए रिपोर्टर, हम लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते थे कवर करने के लिए तब हमारी स्थिति क्या होती थी ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा ना बस हमारा स्टॉप ही छूट गया। हम उधर से भागते भागते आए सिर्फ ये मौसम का मज़े लेने के लिए। ऐसे है तो इसीलिए अभी छुट्टी मिली है तो हम आ गए मरीन। तो उसमें हमने देखा वीडियो खींच रहे थे, हमने बोला हम भागे भागे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। कितना अच्छी लड़की है जो इंटरव्यू देने के लिए भागे भागे आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं मुझे कैमरा, हम भागते जब वाइवा लेते हमारी। यानी कि ऐसे ही भागते, हम भी वाइवा के समय भागते थे अपने जमाने में। मुंबई इज वेरी अडैप्टिंग सिटी। लाइक मतलब कोई कहाँ से भी आया तो वो एंजॉय कर सकता है अपना अकेले या फिर दोस्त बन जाता है। एग्जैक्टली अकेले भी रहे तो एंजॉय कर ही सकता है कैसे भी। तो उसको दोस्त की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट दोस्त बनने में भी हाँ टाइम नहीं लगता है, सब बन जाते हैं जल्दी दोस्त और अच्छे जाते हैं जल्दी जल्दी। ये मेजर पॉइंट है। जो उनकी उनकी खासियत होती है वो चेंज हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब तुम्हारे नीड्स के हिसाब से तुम्हारे दोस्त चेंज हो गया। कहाँ पे स्ट्रगल नहीं है आप हमें बताओ। हमारे भी फील्ड ऐसा ही है कि 24 घंटा में बारिश हो। दिवाली लोग घर पे मनाते, हम दिवाली बाहर मनाते। तो यू कैन अंडरस्टैंड। पर आपके पास लोग, हमारे जैसे लोग तो भाग के आए ना, हमारे पास लोग भाग के चले जाते हैं। नहीं भगवान, डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है। हमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है ऑब्वियसली हम आपके पास आते हैं। या या तो ऑब्वियसली थैंक यू, नाइस टू मीट यू पीपल, थैंक यू। तो यहाँ पे देखा किस बच्चे थे जो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ऑब्वियसली ये मरीन ड्राइव जो है जिसको कि एकदम लोग जो है मुंबई में अगर आते हैं तो उनका पहला चॉइस जो रहता है वो मरीन ड्राइव ही रहता है। और मरीन ड्राइव पे ही आ करके जो है उन लोग एंजॉय करते हैं। कोई भी अगर आता है तो मरीन ड्राइव में वो ज़रूर ही एंजॉय करता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए हैं जी हम। तब मरीन ड्राइव घूमने आए क्या? नहीं एक्चुअली हमारा गुरु महाराज का प्रवेश था तो वो हिसाब से यहाँ पर आए देखने के लिए। तो ये मरीन ड्राइव घूमने का कैसा मजा लग रहा है? बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा हूँ फैमिली के साथ है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मरीन ड्राइव जो मुंबई आता है वो मरीन ड्राइव जरूर आता है। हाँ 100%। और ऊपर से आज हाई टाइड है, आज एक भी नहीं दिखा, हमारा किस्मत ही नहीं है शायद। अभी तो कितना पानी आपके ऊपर आ गया? नहीं मैडम हमारे ऊपर से गए तो मालूम पड़ेगा ना कि हाई टाइड है। अभी तो उतना नहीं है लेकिन इतना तो कभी कभी समुद्र तो नीचे तक ही रहती है। लेकिन अभी वो जो पानी के झरोखे जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं ना। ठीक है लेकिन 50% है पे, 50% नहीं होता। क्या कहना चाहेगी मैडम? हैदराबाद से है। हैदराबाद से है। कितना एंजॉय कर रहे हैं समुद्र का पानी? बहुत अच्छा है मुंबई, बहुत साल के बाद पहली बार है। आप भी आ रहे हैं हैदराबाद से? अच्छा है, अच्छा प्लेजेंट है, एकदम प्लेजेंट है, शांति है, एकदम हाई मतलब हाई टेंट देख के मजा आ गया। आओ एकदम शांति है। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से अपील क्या करते हैं मैडम जी? भाई आकर के देखो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं आके, आप एंजॉय कर सकते हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं। सुबह 8-10 बजे आते हैं मैडम। कितने बजे जाते हैं? आते जाते रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर धंधा अलाउड लगाने की जगह नहीं। हाँ हाँ वो तो हमें भी पता है कि बीएमसी वाले अलाउ नहीं करते हैं, इसके वजह से हम लोग भागते हैं, पकड़ जाता है, मार खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी भागते रहते हैं। लेकिन लोग तो आपके चना को तो बहुत अच्छा से खाते हैं। जी वो खाते हैं चना जोर से। देखा आपने कि यहाँ पे जो है लोग जो है चना खाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे एक बच्ची दिख रही है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब बहुत मजा आ रहा है।
यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको भी आके यहाँ पे देखना चाहिए, है ना? आप किसके साथ आए हो? ये मेरे पेरेंट्स है, मैं अपने पापा मम्मी फैमिली साथ आई हूँ। अच्छा, ये हाई टाइड जो है जब पानी एकदम मुँह पे आता है तो क्या लगता है, किस तरह से अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या कहना है? मैं फ्रेंड्स लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सब आओ, जो इधर स्ट्रेस वगैरह में है थोड़ा सा इधर आओ, एंजॉय करो, मस्ती करो और मतलब टेंशन भूल जाओ सारी। यानी है अगर यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली सारा टेंशन भूल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, टेंशन फ्री हो जाते हैं, मन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। सच में यहाँ पे टाइम जी, मैं हम हरियाणा से हैं, तुम्हारा से हम स्पेशल घूमने आए हैं मुंबई। हाँ, यानी स्पेशली बारिश देखने आए क्या? हाँ, बारिश का नज़ारा देखने आते हैं, वैसे तो आते हैं ठंड उसमें दिसंबर में, अभी इस बार जो इसमें आया जून में, सोचते भी देखते हैं बारिश का नज़ारा क्या है। बॉम्बे में लगातार बारिश हो रही है, 3 दिन से ग्रस्त मौसम हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 12th पास आउट हूँ। आगे करना क्या चाहते हैं? हम बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स। यानी क्या बनना है? CFA। ये बच्ची है जो एक 12th पास आउट हुई है और उनका ये भी यही है कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को यही कहूँगी कि आने के बाद एक बार जो है ये हाई टाइड का नज़ारा जो पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर के आते हैं और ये हाई टाइड देखते हैं। आज जिस तरह से ये हाई टाइड है थोड़े समय पे अलग अलग से आ रही है और बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जा रहा है, लोग यही है जो यहाँ पे मुंबई के यहाँ पे लोग बैठ के अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यानी आप ये कह सकते हैं शांति मिलती है, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे बैठ के उनको काफ़ी सुकून मिलता है और लोग यहाँ पे बैठते हैं और इस नज़ारा का जो है लुत्फ़ उठाते हुए बारिश का जो है मज़ा लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो बड़ा मज़े से फोटोग्राफी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा है। कहाँ से आए हो? हम इधर से ही आए हैं। इधर ही रहते हो क्या? कहाँ पे रहते हो? तो वहाँ पे तो गेटवे है, यहाँ पे और भी मज़ा है। बस ऐसे ही आगे थोड़ा मन किया तो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले आयो, मज़ा नहीं आया? तो किस पर लेके आएगा? अरे गर्लफ्रेंड है, समुंदर का किनारा है तो गर्लफ्रेंड थोड़ी होता है कि गर्लफ्रेंड समुंदर के किनारे आए तो गर्लफ्रेंड को लेके आए। जरूरी तो नहीं है लेकिन मज़ा तभी आता है जब यहाँ पे फ्रेंड्स लोग एक साथ एंजॉय करें। फ्रेंड्स ही है ना? I know that you people are friends, but some other friends should be there. क्यों डर गए क्या? डर रहा इसको। शर्मा गए? नहीं शर्मा तो नहीं। क्योंकि girlfriend रखना आजकल कोई बड़ी बात नहीं। एक बड़ी बात तो है नहीं लेकिन अभी। कोई है ही नहीं क्या ये बोल सकते हो? ऐसी बात तो है। है ना? Except तो करना। हाँ तो girlfriend तो है कि नहीं? नहीं है। देखो जिंदगी है। जिंदगी में मजा करना चाहिए। कौन जानता कोरोना के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि हम आज है कल नहीं है, तो जिंदगी को मजा लेना चाहिए। हर दिन तो मजा लेते हैं इसलिए तो आए ना। जिंदगी का मजा लेना चाहिए, पूरा लेना चाहिए खुल के। क्या कहना कि जैसे एकदम खुल के मजा लेना। हाँ बस ले रहे हैं अभी तो, उधर एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो देखा जिस तरह से लोग जो है ये हाई टाइड का पूरा मज़ा ले रहे हैं और उनका साफ यही कहना है कि लोग जो है यहाँ पे आए और एंजॉय करें, जिंदगी का क्या ठिकाना है। कैमरा पर्सन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, मुंबई।